फाफड़ा। फाफड़ा, अरे वाह। नाजरीन, लोटे की जलेबी। और नाजरीन, ये जलेबी मिलती है सिर्फ इतवार को, रविवार को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाय हेलो, आदाब, आप सबका खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है एक अलग अंदाज में, अनोखे अंदाज में, क्योंकि आज का व्लॉग थोड़ा सा हटके है, अलग है, क्योंकि नाजरीन गुजरात के फूड आइटम्स को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और ये इलाका है हैदराबाद का, खुद भी हुआ कहाँ पर जलाराम नमकीन पर मुख्तलिफ शानदार आइटम्स होते हैं गुजरात के। और जहाँ तक जलेबी की बात है, ये मिलती है सिर्फ संडे, आज है संडे, तो नाजरीन आप बिल्कुल मुशाहिदा करवाएंगे हम आपको इस जलाराम नमकीन का, इस दुकान का, यहाँ बनने वाले आइटम्स और उनकी तैयारी बताएंगे आपको, लोगों से रिव्यू लेंगे और खुद भी खाएंगे और अपने जायके से अपने नाजरीन को आगाह करेंगे। तो जुड़े रहिएगा AJ चैनल के साथ और जलाराम नमकीन कुत्तीगुड़ा हैदराबाद के साथ। जितेंद्र है। हाँ, तो जितेंद्र जी, हमें ये बताइए कि ये जलेबी का इंग्रेडिएंट्स कैसे है, क्या है, कैसे बनती है? जलेबी का आटा 24 घंटे पहले भिगा के रखना पड़ता है। जी जी, तो भिगने के बाद ही सही मायने में जलेबी आता है। छोटे की जलेबी जो नाम दिया गया है, हाँ, कोई का विशेष कारण, खास वजह? जो लोटे की जलेबी बनाना है तो मिनिमम 24 घंटा आटा भिगा के रखना पड़ता है। अच्छा। अगर कपड़े से डाले तो 12 घंटे में होता है। जी जी। और ये हमारा जलेबी लोटे की बनती है तो 24 घंटा आटा भिगा के रखना पड़ता। और जो सॉफ्ट होती है और क्रिस्पी जलेबी बनती है। अच्छा अच्छा, टेस्टी और क्रिस्पी। हाँ, वो 24 घंटा भीगे मिनिमम तो ही क्रिस्पी और सॉफ्ट आती है। अथवा नहीं तो एकदम 12 घंटे का जो जलेबी बनाते हैं वो कड़क हो जाती है। तो अच्छा, हाँ, तो ये स्वादिष्ट है, मज़ेदार है। हाँ, मज़ेदार है एकदम। टेस्ट करके देखिए आप। हाँ, करेंगे। हाँ, इसका रेट क्या है? हाँ, अभी तो 480 KG है। जी, 480 पर KG प्योर घी का बनाते हैं हम लोग। संडे ओनली एक दिन बनाते हैं। पापड़ा का आटा भीग रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मिर्ची है, तलीन भी। ये क्या है? अच्छा, ये गाजर। इसका क्या बनेगा? गाजर का आचार, वो आपके साथ खाना संपर्क करेगा। अच्छा, का आचार बोलते हैं। हाँ, गाजर का आचार कंपल्सरी रहता है। गाजर का अचार। अचार है? हाँ, अरे वाह, कंपल्सरी रहता है गाजर का अचार और पापड़ा। उससे जो टेस्ट आता है वो तीनों का कॉम्बिनेशन रहता है, मिर्ची गाजर का अचार और ये पापड़ा। अच्छा, मिर्ची गाजर का अचार और पापड़ा। हाँ, और उसके साथ में गरम गरम जलेबी मिल गए तो और एक चार चांद लग जाता पापड़ा को। क्या था? और साथ में गरम गरम जलेबी मिल गया तो पापड़ा को चार चांद लग जाता है, ऐसा। अच्छा। है आपको बहुत मेहनत लग रही काम करने में? ये थोड़ा मेहनत तो होता है, ये बंदा थोड़ा दर्द होता है, भोजन दे दे के पतला बनाना पड़ता है। हाँ, लोगों को जब भी टेस्ट आता है जी, थोड़ा ऐसा टेस्ट के लिए तो खेती करना पड़ता है। जी हाँ, जी हाँ, बड़ा बन रहा है नाजरीन, आप देख सकते हैं। और लोग देखिए सुबह से ही आने के लिए यहाँ पर जमा हो रहे हैं, यहाँ का आइटम्स लेने के। सबसे ग्राहकों की आमद इस बात को बताती है कि द कस्टमर्स आर रियली फॉन्ड ऑफ दिस जलाराम नमकीन। क्या ले रहे हैं? मैं ढोकला ले रहा हूँ, जलेबी ले रहा हूँ और फाफड़ा ले रहा हूँ। मैं इनका आज से नहीं, मैं 20 साल से कस्टमर हूँ। और ये इनका जो ढोकला, फाफड़ा, जलेबी और सब चीज़ जो नमकीन है वो बहुत ही खाने में स्वाद है और टेस्टी है। और ये बहुत ही अच्छे तेल में और अच्छे तरीके से बनाते हैं और नॉन हाइजीनिक है, और मतलब आपके शरीर पे इसका कोई नुकसान नहीं है, बहुत ही स्वाद है। और मैं रेगुलर इनसे आता हूँ। कहाँ रहते हैं आप? मैं अशोकनगर रहता हूँ। अशोकनगर। अच्छा, वहाँ से आया? दिन बढ़ रहा है स्वाद। अच्छा, और सेहत के लिए अच्छा है तो खाने में कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशली गुजरात की गुजरात में चलते हैं और 300 फाफड़ा भी, 1 किलो का सर 40 आएगी जो मिट्टी का देखे। जमा हो रहे हैं। मैम, आपने यहाँ से खरीदा, क्या खरीदा? यहाँ ढोकला बहुत अच्छा रहता है, सुना था।
इसीलिए हमारे हस्बैंड रेगुलरली ढोकला लेते हैं जी, और मैंने पापड़ी लिया हुआ है, फिंगर चिप्स लिया हुआ है, अच्छा, जलेबी, यहाँ बहुत अच्छा टेस्टी रहता है एट द रीजनेबल प्राइस और भी अच्छा लगता है, तो अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाम की उस झुरमट में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, एक और साहब भी यहाँ पर ठहरे हुए हैं। जनाब आपने क्या लिया? मैं फाफड़ा लिया, फाफड़ी लिया, रेगुलर है, ये हमारे गुजरात के है, इनका फेमस है, हम लोग डीआरडीएल से इधर लेने आए हैं, हम रेगुलर हर संडे को इधर आते हैं, इधर से लेके जाते हैं, रेगुलर आते हैं। आपने जलेबी कैसा है उसका टेस्ट? बहुत अच्छा रहता है, घी अमूल घी। अच्छा, अमूल घी से बनता है। हाँ। तो आप कब कब लेते हैं? ये ओनली से अवेलेबल ओनली ऑन संडे। ओहो, अच्छा अच्छा। तो जलाराम पर बिल्कुल एक लोगों का हुजूम सा है खाने की गर्ज से। क्या लिया आपने? पापड़ी लिए और पापड़ा लिए। कैसा है इसका टेस्ट? बहुत ज़बरदस्त है, हमारा एवरी ओकेजन में इनके फाफड़ा और फाफड़ी जलेबी रहते ही रहता है, मतलब उनके सिवा हमारा मतलब प्रोग्राम होता ही नहीं वैसा है। तो आपने क्या लिया? मैंने ढोकला फाफड़ा जलेबी लिया। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, इतना अच्छा है कि फ्रेश मिलता है, अपन जब चाहिए तो आप ये गरम गरम बना के देते हैं आपको, तो मैं हरदम यहाँ से ही लेके जाती हूँ, आके देखो एक बार, क्वालिटी टेस्ट करो, बहुत अच्छा है और खाने में बहुत स्वादिष्ट है। मेरे घर में सब जन पसंद करते हैं, मेरे हमारे यहाँ मेहमान और आए तो हम सब इधर से ही लेके जाते हैं, सब फ्रेश मिलता है, अच्छा। तो जब चाहिए वो तो सामने अपने सामने तैयार करके देते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं जी जी। और क्या लिया आपने? मैं जलेबी और ढोकला लिया। कैसा है इसका स्वाद? बढ़िया, क्योंकि मैं देखा कि आप काफ़ी देर ठहर के लिए यहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्ट दिलचस्पी से हैं। 10 साल से ले रहे हैं। जलाराम नमकीन का बहुत ही सजा हुआ संवर कर बनकर हमारे सामने है, इसमें मुख्तलिफ आइटम्स हैं जो कि गुजरात के हैं और सिर्फ यहीं पर मिलते हैं, आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। ये है देखिए पापड़ा, और ये है ढोकला, और ये है गाजर का अचार, और ये है मिर्ची का अचार, और ये है जलेबी। कहते हैं कि जब इन तमाम चीज़ों को एक साथ हो तो फिर नाश्ता बिल्कुल शानदार, बेहतरीन होगा, शानदार होगा। अचार गाजर का अचार है ये देखिए, रास्ता आज तक नहीं देगा। जलाराम नमकीन पर आएंगे और खाएंगे मिर्ची के साथ नाजरीन, और ये पापड़ा, वाह, इसमें स्वाद भी है, शहद भी है, टेस्ट इज देयर, एंड ऑफ कोर्स इट्स हैविंग ए रियली हेल्दी। ये है देखिए ढोकला। नाजरीन, गुजरात के जितने भी आइटम्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, हम तो चाहते हैं कि गुजरात के आइटम खाइए, लेकिन नाजरीन हमने तो पेस्ट्रियाँ बहुत खाई, केक खाए, लेकिन नाजरीन ये है देखिए सेहतमंद, हेल्दी, स्वादिष्ट ढोकला। ये बेसन का बना हुआ है और इसमें कोथिमीर का गार्लिक है, इसका मज़ा निराला है। जलाराम नमकीन का नाश्ता आला है, उसका हर आइटम निराला है। अब हम जाते हैं जलेबी, कितनी जगह डेलिकेट है और शानदार, ऑयल भी कंटेंट कम है और बनाने में बड़ी मेहनत मशक्कत होती है, हमारे भाई साहब ने बनाया, आटे को बिल्कुल गूंद कर फिर उसे बिल्कुल बारीक लेयर बनाकर ये पापड़ा बनाया था, इसमें मेहनत बहुत लगी। जलेबी में भी ये लोग एक रात पहले भिगा कर खमीर आने के बाद बनाते हैं, हमने चखने की बात की लेकिन पूरी जलेबी खा ली। दिस शोज दैट द टेस्ट इज स्पेसिफिक, स्वाद अपने शिखर पे है। अब हमें ढूंढने की जरूरत नहीं कि जलाराम नमकीन किधर है, इधर है उधर है, कि नहीं, खुद भी गुड़े पे आइए और खाइए। और जहाँ तक जलेबी की बात है, ये बनती है सिर्फ रविवार इतवार संडे को, संडे मनाइए, जलेबी खाइए, जबकि ढोकला पापड़ा
9849654 अच्छा घनश्याम जी, आपका है मोबाइल नंबर? हाँ दुकान कब का है? 2002 से। के सामने बिल्कुल ट्रैफिक होने की वजह से लोग इधर एक गोशे में ठहर के भी खाते हैं, आप भी खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं जनाब आप? जलेबी फाफड़ा। कैसा है इसका मज़ा? नहीं बहुत बढ़िया है, टेस्टी है। हम लोग तो अत्तापुर से आके ले रहे हैं यहाँ पे। अच्छा है, टेस्ट बहुत बढ़िया एकदम। हम लोग बहुत सारे खा रहे भी लिए, नमकीन भी लिए। और ये जलेबी है और फाफड़ा एकदम ताज़ा प्योर, बहुत नामी दुकान है, अत्तापुर से आए, बहुत टेस्टी है। वैसे तो हमारा रेगुलर का नाश्ता इडली डोसा है, बट यहाँ का इतना फेमस, बहुत अच्छा है। यहाँ पे पहले स्टार्ट वही करें, मास्टर के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा मास्टर? हाँ, मास्टर का फाफड़ा फेमस है। अच्छा, हर गुजराती में जैन में सब पहले उन्होंने स्टार्ट करे। अच्छा अच्छा ठीक है। आप अपना शुभ नाम बताइए। आप अपना शुभ नाम? मेरा नाम घनश्याम है। घनश्याम जी, आपके दुकान में क्या क्या मिलता है? सब फाफड़ा, जलेबी है, ढोकला है, नमकीन है, खाखरा है, बहुत वेरायटी मिलती है। रेट 280 से लेकर 320 तक। अच्छा, आपके टाइमिंग्स क्या हैं इसके? सुबह 8:30 से रात को 10 बजे तक। अच्छा, जलेबी क्या है, रोज मिलती है आपके पास? जलेबी ओनली संडे, इधर ही बनाते हैं, इधर ही बेचते हैं। तो नाज़रीन, इस तरह जलाराम नमकीन खुदबी गुड़ा हैदराबाद का ब्लॉग खत्म होता है। नाज़रीन, हमने मालिक से बात की, लोगों से उनकी राय ली, खुद हमने भी खाए और अपनी राय दी मौजूद नाज़रीन की खिदमत में। तो आपसे एक गुजारिश है, जो लोग पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल यानी घंटी के बटन को दबाएँ ताकि हमारा नोटिफिकेशन हर वक्त आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुदा सबको खुश रखे, खुदा हाफिज़, गुड बाई।